आइए आज सेट नंबर 4 जो कि 2013 में पूछा गया है इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो एक बार एक अंग्रेज और एक पठान रेल के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो इसका लिख लो ट्रांसलेशन, जो लोग किए हो मिला लो, नहीं कर पाए जो वाक्य उसको लिख लो। एक बार कहने लिख दो वंस, एक अंग्रेज, इसका अंग्रेजी लिख दो एन इंग्लिश मैन। देखिए इंग्लिश मैन में ई बड़े कर दो क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव है, एन इंग्लिश मैन पहला अक्षर बड़े लिखा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव का। वंस एन इंग्लिश मैन, देखिए एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन माने एक आदमी, अगर द इंग्लिश कर दे तो कई अंग्रेज हो जाते हैं, क्लियर। एक अंग्रेज है तो एन इंग्लिश मैन उसको लिखा जाता है, क्लियर। वंस एन इंग्लिश मैन, एक बार एक अंग्रेज, उसके बाद लिख दो एंड करके, एंड ए पठान, पठान को आप पठान ही लिखोगे, पी बड़े कर देना, पी ए टी एच एन। वंस एन इंग्लिश मैन एंड ए पठान रेल के एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो उसके बाद कह दो वर ट्रेवलिंग, वर मतलब डब्ल्यू ई आर ई, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं इसको, तो वर या वेयर, ट्रेवलिंग टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी, ट्रेवलिंग इन इन द सेम कंपार्टमेंट, एक ही मतलब सेम, इन द सेम कंपार्टमेंट या सेम ही डिब्बा कह रहे हैं, आप कंपार्टमेंट लिख दो सी ओ एम पी ए आर टी मेंट कंपार्टमेंट, वैगन लिख सकते हो, बोगी लिख सकते हो, कैरेज लिख सकते हो, क्लियर, कुछ भी लिख सकते हो, इन द सेम कंपार्टमेंट हो गया। हाँ तो ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन या इन द सेम, ठीक है, कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ट्रेन लिख दोगे तो भी बेटर होगा, तो क्लियर। तो कंपार्टमेंट से ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ रेल का ही डिब्बा होता है, क्लियर। इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन या इन द सेम कंपार्टमेंट, इन द सेम रेलवे कंपार्टमेंट भी कह सकते हो, जो कि ये क्लियर है, ठीक, इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। हाँ अंग्रेज पठान का साथ पसंद नहीं करता था, तो लिख दो द इंग्लिश मैन, क्योंकि एन लगा दियो एक बार ना, दूसरी बार किसी का जिक्र किया जाता तो हम द लगा देते हैं, द इंग्लिश मैन, क्योंकि एक नहीं लिखना है तो द इंग्लिश मैन, मैन लगा देना इंग्लिश में, ठीक है, तभी एक अंग्रेज बताएगा। द इंग्लिश मैन डिड नॉट लाइक, तो द कंपनी ऑफ पठान, तो कंपनी माने साथ होता है, सी ओ एम पी एन वाई, इसी कंपनी माने कंपनी भी होता है, कंपनी से कंपेनियन बना है साथ ही, क्लियर। तो द इंग्लिश मैन डिड नॉट लाइक द कंपनी ऑफ हाँ पठान, द कंपनी ऑफ पठान, पी ए टी एच एन पठान, सी ओ एम पी एन वाई, जो कंपनी की स्पेलिंग होती है वही कंपनी, क्लियर, जो कंपनी किसी की कंपनी होती है वही साथ की भी अंग्रेजी है, क्लियर, सी ओ एम पी ए एन वाई, कंपनी से कंपेनियन बना, तो कंपनी ऑफ पठान। लेकिन वह विवश था, बट ही वाज, विवश की अंग्रेजी होता है कॉम्पेल्ड, सी ओ एम पी ई डबल एल ई डी, कॉम्पेल्ड माने विवश या मजबूर, सी ओ एम पी ई डबल एल ई डी, कॉम्पेल्ड, सी ओ एम पी ई डबल एल ई डी, बट ही वॉज कॉम्पेल्ड, लेकिन वह विवश था। तो जब गाड़ी चली, वेन द ट्रेन स्टार्टेड, सीधी सी बात है ट्रेन की ही बात किया जा रहा है, वेन द ट्रेन स्टार्टेड, जब गाड़ी चली, तो के लिए कामा लगा दो, पठान को पठाने लिख लो, पठान, ठीक, हाँ पेशाब करने चला गया, तो वेंट टू यूरिन, वेंट टू यूरिन मिस होता है, पेशाब भी होता है, पेशाब करना भी होता है, बर्फ भी है, जब सूझने हो कि यूरिन की जांच कराने, तो यह सब होता है, तो वेंट टू यूरिन, यू आर आई एन ई, इसी बीच की अंग्रेजी लिख लो, ठीक है, इसी बीच अंग्रेज ने उसका बिस्तर गाड़ी चलती गाड़ी से फेंक दिया, तो ड्यूरिंग दिस टाइम कर दो ना, या मीन टाइम भी होता है एक सब मीन, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम कर दो, इसी समय के दौरान या इसी बीच, या इन द मीन टाइम भी कर सकते हो, जो लिखे हो उनका भी सही है, इन द मीन टाइम एम ए एन टी एम या ड्यूरिंग दिस टाइम, क्लियर, हाँ ड्यूरिंग दिस टाइम कर दो या इन द मीन टाइम कर दोनों सही है, क्लियर। अंग्रेज ने, ठीक काम कर क्लियर, अंग्रेज ने उसका बिस्तर चलती गाड़ी से बाहर, द इंग्लिश मैन
उसका बिस्तर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया, थ्रू लिख दो पहले वर्ब। द इंग्लिश मैन थ्रू हिज बेड, हिज बेड, क्लियर। आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, आउट माने बाहर, ऑफ आउट साथ आप लगता है, आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन माने चलती गाड़ी, आप मूविंग ट्रेन भी लिखोगे तब भी सही है, रनिंग ट्रेन या मूविंग ट्रेन दोनों सही है, क्लियर। जब पठान वापस आया, व्हेन पठान रिटर्न, व्हेन द पठान रिटर्न, तो उसने बिस्तर ना पाकर अंग्रेज से उसके विषय में पूछा, क्लियर। व्हेन पठान रिटर्न कामा ही डिड नॉट फाइंड द बेड, बिस्तर ना पाकर मतलब बिस्तर नहीं पाया और पूछा, क्लियर। ही डिड नॉट फाइंड द बेड एंड एंड करके जोड़ दो, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ कर दो या आस्क भी कर सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ENQUIRED या आस्क भी कर दो, इंक्वायर्ड साथ ऑफ लगेगा, आस्क साथ नहीं लगता, इंक्वायर्ड ऑफ द इंग्लिश मैन, ऑफ द इंग्लिश मैन, ऑफ मैंने सोचा, हाँ उसके विषय में अबाउट इट, अबाउट इट भाई उसके मतलब वो बिस्तर, क्लियर, अबाउट इट कर दो, हो गया। तो उसने जवाब दिया तो लिख दो ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, तब कामा डबल कामा लिखो, तुम्हारा बिस्तर गाड़ी से बाहर टहलने गया, योर बेड हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, योर बेड हैज गॉन टू वॉक, गॉन टू वॉक या गॉन फार ए वॉक भी कह सकते हो, हैज गॉन फार ए वॉक या गॉन टू वॉक, क्लियर, आउट ऑफ द ट्रेन, अभी लौट आएगा, इसके अगर लिखो इट विल जस्ट रिटर्न, इसमें सब्जेक्ट इट लगेगा, बात समझो दीजिए, इट विल जस्ट रिटर्न माने अभी लौट आएगा, सब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ेगी, इट विल जस्ट रिटर्न मतलब यह अभी लौट आएगा, ठीक है, यह बात इट विल जस्ट रिटर्न माने अभी लौट आएगा, इन्वर्ट काम बंद कर दूँ पुलिस स्टॉप करके। पठान चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, देखो पठान सैट, सैट मतलब बैठ गया, सैट ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, ठीक है, सैट ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, या इसको टुक हिज सीट साइलेंटली तब भी चल जाएगा, अपनी सीट साइलेंटली ले लिए या अपने स्थान पर बैठ गया, क्लियर, दोनों चल जाएगा, सैट ऑन हिज प्लेस या टुक हिज सीट, जो कि ये उनका भी सही, साइलेंटली, क्लियर, चुपचाप। अब देखिए इतने में, इतने में कहने लिखता हूँ मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल माने होता है इतने में ही या उसी समय के दौरान, उसकी अंग्रेजी होती है मीन वाइल, MENWHILE, अंग्रेज सो गया, द इंग्लिश मैन स्लेप्ट, द इंग्लिश मैन स्लेप्ट, पठान ने अब उसका सूटकेस और हैंडबैग बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो नाउ पठान, नाउ पठान, हाँ थ्रू, थ्रू मतलब फेंक दिया, क्या फेंक दिया, हिज सूटकेस, सूटकेस का सूटकेस लिखा जाएगा, SUITCASE रहेगा, SUITCASE सूटकेस, एंड हैंड बैग, हैंड बैग को हैंड लिख दो, बैग जोड़ दो भी ये जी, ठीक है, एंड हैंड बैग, हैंड बैग आउट, क्लियर, आउट मतलब बाहर फेंक दिया, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, काम अंग्रेज जागा, अंग्रेज जागा, तो उसने पठान से पूछा, अंग्रेज जागा तो मतलब जब अंग्रेज जागा, तो यहाँ तो आया तो व्हेन लगाना पड़ेगा, तो आफ्टर सम टाइम व्हेन द इंग्लिश मैन वोक अप, व्हेन द इंग्लिश मैन वोक अप, क्लियर, अंग्रेज जागा मतलब जब अंग्रेज जागा, उसमें सेंस के हिसाब से करना पड़ेगा, तभी तो लिए काम लगाओगे, व्हेन द इंग्लिश मैन वोकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, WOKEUPF, तो उसने पठान से पूछा,
कामा करके तब तो के लिए, ही आस्क्ड, आज लिख दो या इंक्वायर्ड ऑफ लिख दो द पठान, या द पठान या इंक्वायर्ड ऑफ पठान, क्लियर। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमारा सूटकेस और हैंडबैग कहाँ है, वेयर इज माई। अब यहाँ हमारा भले लिखा गया है लेकिन आप माई यूज करो क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमारा कहें या मेरा, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, एक वचन के लिए माई ही लगेगा, क्लियर। वेयर इज माई सूटकेस एंड हैंड बैग, क्योंकि आपको क्लियर है एक ही आदमी कह रहा है, ठीक है, तो और ना लिखो। वेयर इज माई, दोनों का तो है नहीं, वेयर इज माई सूटकेस, यस यू आई टी सी एस ई एंड हैंड बैग, क्लियर। प्रश्नवाचक का निशान लगा दो, इन्वर्ट कॉमा बंद कर दो। पठान ने उत्तर दिया, द पठान रिप्लाइड, पठान रिप्लाइड। कॉमन टू काम फिर लिखो, वे दोनों मेरा बिस्तर लाने गए, ठीक है, तो वे दोनों कहेंगे दे बोथ मत करो, या तो बोथ ही लिख दो या तो बोथ हाफ देम लिख सकते हो, क्लियर, ठीक। बोथ हाफ देम माने उनमें से दोनों या वे दोनों, क्लियर, या बोथ से ही काम चले, बोथ माने दो हो गया, दो ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ देम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, तो बोथ या बोथ हाफ देम दोनों सही है। हैव गॉन, तो बोथ हैव गॉन, तो दोनों गए। गॉन आउट, बोथ हैव गॉन आउट या बोथ हाफ देम हैव गॉन आउट जो लिखे हैं चल जाएगा भी। टू ब्रिंग माई बेड, टू ब्रिंग माई बेड, अब आप फुल स्टॉप करके इन्वर्ट कॉमा बंद कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, घंटी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए एक बेहतरीन तैयारी करके 90 प्लस, ठीक है, नंबर आप कम से कम इंग्लिश में 90 प्लस 95 प्लस 98 99 तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।